नमस्कार दोस्तों मैं हूं सुशील पुनिया और आप देख रहे हैं जिनू ग्रुप सर्विसेस दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक धमाकेदार न्यूज जिसे सुनकर उठ सकते हैं आपके दिलो दिमाग के फ्यूज तो क्यों ना दोस्तों शुरू करें आज की लाटेस्ट न्यूज दोस्तों राजस्थान में कांग्रेस सरकार द्वारा प्रो में की गई किसान कर्ज माफी की घोषणा में डिफाल्टर शब्द को इस्तेमाल किया गया था 30 नवंबर 2018 तक जिन किसानों ने अपने खाते को नील नहीं किया था ऐसे सभी डिफाल्टर किसानों का दो लाख रुपए तक का कर्जा माफ करने का ऐलान गहलोत सरकार ने किया था जिसका राजस्थान के किसानों ने काफ़ी विरोध किया था किसानों की मांग थी कि ईमानदार किसानों का भी दो लाख रुपए का किसान कर्ज माफ़ किया जाए इसके चलते 29 दिसंबर शनिवार को कैबिनेट की पहली मीटिंग रखी गई जिसमें सर्वप्रथम किसान कर्ज माफी मुद्दे को प्राथमिकता दी गई मीटिंग में हुई चर्चा के बाद फैसला लिया गया कि राज्य के सभी ईमानदार और डिफाल्टर किसानों का दो लाख रुपए तक किसान कर्जा माफ़ किया जाएगा इस बड़ी अपडेट के अनुसार दोनों ही तरह के किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा देर शाम तक मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का खुलासा कर दिया और दो लाख रुपए तक किसान कर्ज माफ करने वाली फाइल पर गहलोत सरकार ने अंतिम मोहर लगा दी जिससे प्रदेश के किसानों में खुशी का माहौल है और किसानों का गहलोत सरकार के प्रति गुस्सा थोड़ा कम हुआ है हालांकि अभी तक इसकी फाइनल डेट तो घोषित नहीं की गई है लेकिन सभी किसानों का दो लाख रुपए का तक का कर्जा माफ करने के वादे पर अंतिम मोहर गहलोत सरकार लगा चुकी है इसी बीच कैबिनेट बैठक में वृद्धावस्था पेंशन को लेकर भी चर्चा की गई जिसमें वृद्धावस्था पेंशन में दो सौ की बढ़ोतरी भी की गई है वृद्धावस्था पेंशन योजना के मुताबिक जिन्हें पाँच सौ रुपये मिलती थी अब उन्हें साढ़े सात सौ रुपये यानी सात सौ पचास रुपये और जिन वर्दों को साढ़े सात सौ रुपये यानी सात सौ पचास रुपये पहले मिलती थी उन सभी को अब एक हज़ार रुपये महीना वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी गहलोत सरकार ने इस घोषणा पर भी कैबिनेट की पहली ही मीटिंग में अंतिम मोहर लगा दी है हालांकि अभी तक इसकी भी कोई निश्चित तारीख गहलोत सरकार ने निश्चित नहीं की है घोषित नहीं की है कि यह बढ़ोतरी कौन से महीने से शुरू की जाएगी लेकिन अंतिम मोहर है इसकी घोषणा की वो अंतिम मोर इस घोषणा पर लगा दी गई है ये फाइल है ये जो जनरेट कर दी गई है इसके अलावा भी अन्य कई बड़े फैसले गहलोत सरकार ने पहली मीटिंग में लिए हैं दोस्तों आज की बस यही बड़ी अपडेट थी जो मैंने आपको बता दी है मिलते हैं अगली नई अपडेट नई योजना और नई वीडियो के साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद